जान का मोहताज हो गया है भ्रष्टाचार। क्यों प्रशासन पहले से ही जांच नहीं करती? क्या किसी बड़ी लापरवाही और बड़ी घटना के बाद ही जागती है प्रशासन? नमस्कार, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ अनिशा। हाल ही में वाराणसी के रामनगर के शास्त्री घाट पर एक मजदूर की जान जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच की और रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं कि वहां पर कितनी मिलावटें हुई थी और कितना भ्रष्टाचार था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और आपको बताते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में सामने आया है इस वीडियो में। रामनगर के शास्त्री घाट के पास पर्यटन विकास के तहत उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे कार्य के दौरान एक मजदूर की मौत होने से हड़कंप मच गया। अब लोगों का सवाल उठ रहा है कि अगर कोई परिवार होता, चार पांच लोग की जान चली जाती तो क्या प्रशासन इसका जवाब देती? बता दें कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने की घटना के बाद जांच जिलाधिकारी एस राज निंगम ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों की कमेटी बनाकर कराई, जिसकी अधीक्षक जिसमें अधिशासी अभियंता निर्माण खंड एक लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता सिंचाई बंदी प्रखंड, सहायक अभियंता जिला ग्रामस्य विकास अभिकरण के अलावा कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक एवं उप निर्देशक पर्यटन भी जांच के दौरान मौके पर उपस्थित रहे। जांच रिपोर्ट में प्रथम यह पाया गया कि कार्यस्थल पर निर्मित छतरी अकुशल कारागिरी के कारण स्टेबल नहीं थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। जांच कमेटी के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छत में प्रयुक्त पत्थरों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त फिलर मटेरियल लगाने का कार्य प्रथम दृष्टि से संतोषजनक नहीं पाया गया। पत्थरों को जोड़ने हेतु पत्थरों के पूर्व उपयुक्त नहीं पाए गए और पत्थर को जोड़ने हेतु क्रैम्प का प्रयोग भी नहीं पाया गया। कार्य स्थल पर उपस्थित कार्य से संबंधित छतरी के तकनीकी संस्थान से वेट किया हुआ डिजाइन एवं ड्राइंग की भाग्य कार्यदारी संस्थान के अधिकारियों से की गई, परंतु उनके द्वारा कोई स्वीकृत डिजाइन एवं ड्राइंग जांच कमेटी को उपलब्ध नहीं कराई गई। कार्य स्थल पर इसी प्रकार दो और ऑर्टोगोनल छतरी निर्मित है। इसकी स्टेबिलिटी संशयपूर्ण है, जो कि समान प्रतिरूप की है, जिनकी उपयोग जमानत हेतु सुरक्षित प्रतीत नहीं हो रही है। जांच के दौरान कार्यस्थल पर निर्मित अवशेष स्ट्रक्चर में कमियां भी पाई गईं। स्पष्ट है कि संबंधित फर्म द्वारा उक्त कार्य में खराब सामग्री का प्रयोग किया गया है एवं संबंधित अधिकारी द्वारा समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया है। जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने जांच कमेटी की रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत रामनगर के शास्त्री घाट निर्माण से परिलक्षण कमियों एवं घटना हेतु जिम्मेदार संबंधित ठेकेदार एवं फर्म परिवेक्षण हेतु संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की संयुक्त प्रौद्योगिकी सचिव सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर की है।